हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मायसेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरी रोड चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप सभी को होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका की एपिस मेलिफिका मेडिसिन डिस्कस करने वाला हूँ। एपिस मेलिफिका मेडिसिन जो है वो हनी बी से बनाई जाती है। हनी बी जो है आप जानते ही होंगे कि हनी बी क्या है, एपिस मेलिफिका, जो कि डॉक्टर हैनीमैन साहब ने इस मेडिसिन की डिस्कवरी की थी। आप देखा जाए सबसे पहले कि बी आरबेरी इंडस्ट्रियल एंड डिबिटिजस जो है इंसेक्ट, ये जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वैल्यूएबल इंसेक्ट होता है। और अगर देखा जाए कि इसका यूज जो होता है होम्योपैथिक में रेमडी डायरेक्टली जो है, अगर ये कोई भी हनी बी जो है किसी पेशेंट को ये बाइट कर लेता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन है। लोकल लेवल पे आपको ये उसके बाइट करने से आप कह सकते हैं कि स्टिंगिंग, हॉट रेड या स्वेलिंग, इसी के साथ साथ जो है एक बर्निंग टाइप का पेन पेशेंट को होता है। ऐसे कंडीशन में आप एपिस मेलिफिका मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस किसी भी प्रकार की हो, एलर्जिक रिएक्शन में, स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शंस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि इसका इन्फेक्शन में, इफ्यूज़न में, जनरलाइज्ड स्वेलिंग में, वीकनेस में, या किडनी या हार्ट की अगर कोई भी इडिमेटिस, या कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि आप स्वेलिंग की कंडीशंस आ रही हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है राइट साइडेड मेडिसिन है। राइट साइडेड मेडिसिन होने के कारण से आपको ये राइट साइड में, अगर हेडेक की बात अगर हम करते हैं तो ये राइट साइड में हेडेक के लिए बहुत ही अच्छा इसका सिम्टम्स है और बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क भी करती है। अगर देखा जाए हम कि सेक्सुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा सेक्सुअल पे भी, सेक्सुअल सिस्टम पे भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। जहाँ तक हम लोग इस मेडिसिन को जो है क्या बोलते हैं कि इडिमेटिस स्वेलिंग, चाहे हार्ट का हो चाहे किडनी का हो, जिसके कारण से, या वीकनेस ऑफ द किडनी, या फिर इडोमेटस इफ्यूज़न, बर्निंग स्टिंगिंग पेन एग्रावेटेड बाय द हीट एंड एम्बलोरेशन बाय द कोल्ड अप्लीकेशन, ऐसे पेशेंट को हीट से एग्रावेशन होता है और आराम जो होता है वो कैसे होता है, कोल्ड अप्लीकेशन से। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ और भी फीचर्स जो कि आप पिक्चर टाइप ऑफ मेटेरिया मेडिका में आपको देखने के दिखाने के लिए आप लोगों के समक्ष लाए हैं। बॉडी इंडस्ट्रियस ऑलवेज मूव फॉर द डियर पीपल एट होम, ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। इसी के साथ साथ बेरी आर्थराइटेशन टूअर्ड्स द फैमिली एवरी वन होबीज, ठीक है। इसके साथ साथ आपको स्ट्रांग ज्वेलसी नेचर का पेशेंट होता है। अगला देखते हैं कि अल्टरनेट सप्रेस्ड सेक्सुअल डिसऑर्डर, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा सप्रेस होंगी। वेरी वार्म ब्लडेड कोल्ड बेनिफिट गेट जेंटली, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल है ये रहता है और इसको कहते हैं कि कोल्ड अप्लीकेशन से इसको तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी, स्किन फील्स वेरी टेंस इफ़ यू ब्रश, जैसे लगता है उसको कि पूरी स्किन जो है ब्रश्ड हो जाएगी, यानी कि फट जाएगा। तो ये एपिस मेलिफिका के कुछ करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ देखते हैं कि अर्टिकेरिया, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है अर्टिकेरिया। हम लोग अर्टिकेरिया में जो है जो शरीर पर जो है मोटे मोटे से चकत्ते टाइप के उत्पन्न हो जाते हैं किसी तरीके की एलर्जी के कारण से, अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं, उसमें ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसी के साथ साथ एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, किसी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन अगर एक्यूट हो जाए, आप हार्ट मतलब सेब ले रहे हैं या कोई चीज़ खा रहे हैं उसकी वजह से जो है आपको रिएक्शन हो रहा है, तो कोई कहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि चना खाते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है, कोई कहता है हम दूध से एलर्जी होती, इस टाइप की एलर्जी जो भी एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन है उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी ये एपिस मेलिफिका मेडिसिन है। इसी के साथ साथ ओवेरियन सिस्ट में, राइट साइड में अगर फीमेल्स के ओवरी में अगर कोई सिस्ट है तो उसके लिए आपको एपिस मेलिफिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन देखी गई है। आगे देखते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स एंड टॉन्सिल्स एकम्पनीड बाई दिस सैक लाइक स्वेलिंग
उबला, उबला जो हमारी होती है जिसको बोलते हैं घाटी या उबला, ये देखिए उबला इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको कुछ लोग कहते हैं कि लटकता रहता माउथ जब खोलते हैं, ओरोफेरेंजियल माउथ जब हम खोलते हैं तो एक पीछे जो है आपको सॉफ्ट पैलेट का पार्ट जो है लटकता रहता है, उसको हम बोलते हैं उबला। तो उबला का स्वेलिंग आपको देखने को मिल जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स एंड टॉन्सिल्स एकम्पनीड बाई द सैक लाइक स्वेलिंग ऑफ द उबला, मतलब कि जो फेरिंग्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्वेलन होगा और रेड दिखाई पड़ेगा, और टॉन्सिल्स भी काफ़ी बड़े बड़े स्वेलिंग उसमें होगी। इसी के साथ साथ आपको जो उबला होगा वो सैक लाइक स्वेलिंग, जैसे लगता है कि सैक टाइप का बन गया, इस टाइप का जनरली आपको इस टाइप का उबला देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों आप सभी को आज हमने एपिस मेलिफिका के बहुत सिम्टम्स डिस्कस किए, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर टाइप ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के थ्रू आपको विभिन्न ड्रग्स और ड्रग्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको आज हमने एपिस मेलिफिका डिस्कस किया, इसके साथ साथ जो है और भी मेडिसिन आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।